तो अभी तक हमने देखा साइतामा पूरे शहर में किसी मॉन्स्टर को ढूंढ रहा था ताकि वो उसे मारकर अपना नाम हीरो रजिस्ट्री से कटने से बचा सके। अब आगे पूरे शहर में साइतामा अजीब सा चेहरा बनाकर इधर उधर भटक रहा था। तभी वहां पर सोनिक आ जाता है और वो साइतामा से बदला लेने आया था, लेकिन साइतामा को उसका नाम तक याद नहीं था। तो वो सोनिक को कहता है कि देख भाई टोनिक, अभी मैं बिजी हूँ तो बाद में आना। इतना कहकर साइतामा वहां से जाने लगा, लेकिन अब सोनिक को बहुत गुस्सा आ रहा था तो वो अपनी तलवार निकाल कर साइतामा पर हमला करने लगता है, लेकिन साइतामा अपने दांतों से ही उसकी तलवार के टुकड़े टुकड़े कर देता है और कहता है कि देख भाई, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, अगर तूने और परेशान किया तो बहुत मार खाएगा। तभी एक लड़की कहती है कि ये आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, और साइतामा को लगता है कि ये सोनिक को कह रही है और वो सोनिक की तरफ उंगली दिखाते हुए हंसने लगता है। तभी साइतामा के पीछे एक सी रैंक का हीरो टैपटॉक टाइगर आता है और वो साइतामा को कहता है, अरे वो गंजे, वो तेरी बात कर रही है और सुबह से अजीब सा चेहरा बनाकर शहर में इधर उधर क्यों भटक रहा है। तो साइतामा कहता है, अरे भाई मैं भी हीरो हूँ और मैं सुबह से किसी विलन को ढूंढ रहा हूँ। लेकिन साइतामा को कोई भी नहीं जानता था। तो वो बंदा कहता है कि साइतामा, ये नाम तो मैंने पहली बार सुना। और वो साइतामा को कहता है कि तू दूसरे हीरोज की इज्जत मिट्टी में मिला रहा है, तो तुझे अपना नाम हीरो रजिस्ट्री से कटवा लेना चाहिए। और ये सुनकर साइतामा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी सोनिक टाइगर पर हमला कर देता है जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और अब सोनिक पूरे शहर में तबाही मचाने लगता है और लोगों की जान खतरे में आ जाती है। तभी साइतामा एक बच्चे की जान बचाता है जिस पर कार गिरने वाली थी। अब साइतामा को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि सुबह से एक तो उसे कोई विलन नहीं मिला और अब ये सोनिक पूरे शहर में तबाही मचा रहा है। तभी साइतामा सोचता है कि ये तो खुद ही एक विलन है जो पूरे शहर में तबाही मचा रहा है। तो वो सोनिक के पीछे जाकर उसे हल्का सा थप्पड़ मारता है जिससे सोनिक वहीं पर ढेर हो जाता है और सोनिक को हराकर साइतामा हीरो रजिस्ट्री से अपना नाम कटने से बचा लेता है। इसके बाद दो ए रैंक के हीरोज एक अबेंडेड जगह पर इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं। ये वही जगह है जहां जैनोस और साइतामा के अलावा कोई और नहीं रहता। जब ये दोनों उस जगह पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तभी इनके सामने कॉम्बो इन्फिनिटी नाम का एक मॉन्स्टर आ जाता है और वो मॉन्स्टर इन दोनों को पटक पटक कर मारता है और इन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी साइतामा सब्जियां खरीद कर वहां से अपने घर की ओर जा रहा था। तभी साइतामा को याद आता है कि वो कॉम्बो सूप बनाने के लिए कॉम्बो लेना तो भूल ही गया। इतने में ये मॉन्स्टर साइतामा पर हमला कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं साइतामा घर पर कॉम्बो सूप बना रहा है और ये कॉम्बो उसने उसी कॉम्बो मॉन्स्टर की बॉडी से निकाला है। तभी जैनोस वहां पर आता है और वो साइतामा को कहता है, गुरुजी मैंने सुना है कि कॉम्बो सूप पीने से सर पर बाल आ जाते हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। और ये सुनकर साइतामा का दिल बुरी तरह से टूट जाता है। अब अगले दिन एक मीटियोरॉइड धरती की ओर ही आ रहा था और इधर जैनोस और साइतामा घर पर बैठे बोर हो रहे थे और साइतामा जैनोस को बताता है कि सोनिक को हराने की वजह से उसकी रैंक बढ़ चुकी है, उसकी रैंक C48 से C45 हो चुकी है। इसके बाद जैनोस को एक कॉल आता है और उसे तुरंत हीरो एसोसिएशन में बुलाया जाता है। जैनोस घर से निकल पड़ता है और वहां पहुंचकर उसकी मुलाकात एक एस रैंक के हीरो सिल्वर फैंग से होती है। ये बंदा जैनोस को बताता है कि कुछ ही देर में एक मेटियोरॉइड शहर पर गिरने वाला है और अगर ये शहर पर गिर गया तो पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाएगा। सभी एस क्लास के हीरोज को यहाँ पर बुलाया गया था, लेकिन अभी तक सिर्फ ये दोनों ही यहाँ पर पहुंचे हैं। जैनोस तुरंत छत पर जाता है और अपनी पूरी ताकत से उस मीटियोरॉइड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। जैनोस हार मान लेता है क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि इस मीटियोरॉइड को रोकना उसके बस का नहीं है। अब वो मीटियोरॉइड शहर पर गिरने ही वाला था, लेकिन तभी वहां पर साइतामा आ जाता है और वो उड़कर मीटियोरॉइड के पास जाता है और अपने एक मुक्के से ही उस मीटियोरॉइड के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, लेकिन ये टुकड़े शहर में ही जाकर गिरते हैं।
जिससे किसी की जान तो नहीं जाती पर पूरे शहर में तबाही मच जाती है। अब 3 दिन बाद साइतामा और जैनोस टीवी पर उसी मीटियोराइट की न्यूज को देख रहे थे। न्यूज में बताया जा रहा था कि मीटियोराइट की वजह से शहर को बहुत नुकसान पहुंचा है, पर किसी की जान नहीं गई और आखिरकार साइतामा ने ही तो लोगों की जान बचाई है, जिसकी वजह से उसकी रैंक C45 से सीधा 5 पर आ गई थी। और ये जानकर साइतामा बहुत खुश होता है। यहाँ पर जैनोस साइतामा को थ्रेट लेवल के बारे में बताता है। अगर थ्रेट लेवल टाइगर है तो लोगों की जान को खतरा है, और अगर थ्रेट लेवल डीमन है तो पूरे के पूरे शहर को खतरा है। अगर ड्रैगन है तो बहुत सारे शहरों को खतरा है, और थ्रेट लेवल गॉड में पूरी की पूरी मानव जाति को खतरा होता है। अब अपनी रैंक को और ज्यादा बढ़ाने के लिए साइतामा घर से बाहर निकलता है ताकि वो किसी मॉन्स्टर को मारकर अपनी रैंक और ज्यादा बढ़ा सके। लेकिन रास्ते में उसे वही सी रैंक का हीरो टाइगर मिल जाता है, और टाइगर के साथ उसका भाई ब्लैक होल भी था। और जब इन दोनों को पता चलता है कि साइतामा की रैंक इनसे ऊपर पहुंच चुकी है, तो इन दोनों को साइतामा से जलन होने लगती है कि ये चिरकुट सा लड़का हमसे आगे कैसे निकल गया। और अब ब्लैक होल सभी लोगों को चिल्लाते हुए कहता है कि यही वो लड़का है जिसने पूरे शहर को तबाह किया है, इसी की वजह से वो मीटियोरॉइड शहर पर गिरा। ब्लैक होल की बातें सुनने के बाद सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और साइतामा को गालियां देने लगते हैं। और ब्लैक होल तो ये भी कह देता है कि साइतामा शहर के लोगों को मारना चाहता है, लेकिन साइतामा को उनकी बातों से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। तो वो दोनों साइतामा को फाइट के लिए चैलेंज करते हैं। सबसे पहले टाइगर साइतामा पर हमला करता है, लेकिन वो साइतामा के एक ही मुक्के में ढेर हो जाता है, और फिर वो ब्लैक होल के हाथ को पकड़कर दबा देता है, जिससे ब्लैक होल की चीखें निकल जाती हैं और वो साइतामा के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। अब साइतामा सबको चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ, मैंने ही उस मीटियोराइट को तोड़ा है, और अगर किसी को इससे दिक्कत है तो वो ये बात मुझे नहीं बल्कि उस मीटियोराइट को कहे। और रही बात हीरो बनने की, तो मैं तुम जैसों की तारीफ सुनने के लिए हीरो नहीं बना हूँ। तभी वहाँ पर जैनोस आ जाता है और वो साइतामा को शांत कराकर वहाँ से ले जाता है। रास्ते में जैनोस साइतामा को कहता है उसने आज तक साइतामा के जैसा हीरो नहीं देखा। गुरुजी, भले लोग आपके बारे में कुछ भी कहें, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। जैनोस की ऐसी बातें सुनकर साइतामा उसे कहता है कि चलो, किसी ने तो मेरी तारीफ की। अब अगले दिन एक मॉन्स्टर समुद्र में से निकलकर शहर में आता है और सभी इंसानों को कहता है कि समुद्र में रहने वाले मॉन्स्टर धरती पर कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन तभी साइतामा वहां से गुजर रहा था तो वो उस मॉन्स्टर को मार गिराता है। कुछ ही देर में मुमेन राइडर यहां पर पहुंचता है, लेकिन उसे यहां पर सिर्फ उस मॉन्स्टर की लाश दिखती है। घर जाकर वो साइतामा के बारे में इंटरनेट पर रिसर्च करता है, जहां बहुत सारे लोग उसे फ्रॉड कह रहे थे। इधर जैनोस और साइतामा घर पर बैठे थे और तभी इन्हें न्यूज से पता चलता है कि शहर में बहुत सारे सी मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है और एक सी रैंक का हीरो स्टिंजर उनसे अकेला लड़ रहा है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।